नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में यदि बिगनर हो तो आपको ये तीन गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको शेयर मार्केट में पछताना पड़ेगा। आपकी जीवन भर की कमाई शेयर मार्केट में डूब भी सकती है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो व्यक्ति आता है वो बहुत सारे सपने लेके आता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन की सारी कमाई शेयर मार्केट में लगा देता है, लेकिन जब तक आप इन गलतियों को बार बार करते रहो तो आप शेयर मार्केट से भी एक पैसा भी नहीं कमा सकते हो। तो आपको शेयर मार्केट में तीन ऐसी मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए। यदि जो बिगनर होता है सबसे पहले वो ये तीन गलतियां ज़रूर करता है, तो आपको इन तीन गलतियों के बारे में यदि पहले से ही जानकारी हो जाएगी तो आप शेयर मार्केट में पैसे को बना सकते हो, क्योंकि आपकी जीवन भर की कमाई जो आपने अभी तक इकट्ठा करके रखा है वो आप शेयर मार्केट में अपने सपने को पूरा करने के लिए लगा रहे हो। तो आपको इन तीन गलतियों को नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी तीन गलतियाँ हैं जो भूल कर भी कोई भी बिगनर ना करे। नंबर वन, पैनी स्टॉक। सबसे बड़ी मिस्टेक, जो व्यक्ति शेयर मार्केट में बिगनर है वो क्या करता, सबसे पहले आएगा और शेयर मार्केट में पैनी स्टॉक को तलाश करेगा। उसको लगता है जेब में 5 से 10 हज़ार रुपये लेके आया कि वो शेयर मार्केट में यदि पैनी स्टॉक खरीद लेते हैं जो 10 रुपये से कम के या 10 रुपये के रेंज में आते, जहाँ तक वो पैनी स्टॉक होते हैं, आपको वो स्टॉक 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या कुछ ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो कुछ पैसे में ही आपको मिल जाए, तो आपकी तलाश रहती है कुछ ऐसे स्टॉक के में पैसे को लगा देना जो आपकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बना दे। तो इस ये गलती सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आप यही फंडामेंटल स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे, आपकी क्वांटिटी तो कम आएगी लेकिन आपका पैसा सिक्योर रहेगा। यदि आप पैनी स्टॉक में यदि आप देखते कि क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, यदि आपने ये स्टॉक रख लिया है तो 5 से 10 साल में कई गुना बना देगी, ये आपको करोड़पति बना सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पैनी स्टॉक जो भी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, वो कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क में होती हैं और उन कंपनियों का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो आपको ऐसे स्टॉक चुनाव नहीं करना है। आपको 5 से 10 हज़ार रुपये लेके आए, आप शेयर मार्केट में 5 से 10 हज़ार रुपये में काफ़ी रुपए बना सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपको फंडामेंटल स्टॉक शेयर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप पैनी स्टॉक में पैसे तो लगा देती हो, यदि वो आपका पैसा सारा डूब जाएगा या कोई किसी कारणवश कंपनियाँ डूब गई हैं, तो ऐसे में आप जो भी पैसा लेके आए, अपनी मेहनत की कमाई लेके आए, वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। बिगनर हो, आपने नया नया शेयर मार्केट स्टार्ट किया, ऐसे में आपको पैनी स्टॉक में एक भी रुपए नहीं लगाना है जब तक आप थोड़ा सा सीख ना जाएं। पैनी स्टॉक में भी पैसा बनता है, लेकिन पैनी स्टॉक जब तक आप अच्छे से रिसर्च करना नहीं पैनी स्टॉक में जान पाओगे, तब तक आप पैनी स्टॉक में पैसा लगाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा डूबने के चांसेस होते हैं। शेयर मार्केट में पेशेंस रखना। जिस व्यक्ति को शेयर मार्केट में पेशेंस मीन्स धैर्य रखना आता है, वो शेयर मार्केट में जाना पैसा बना लेता है। जब भी आप कोई स्टॉक को बाय करें तो आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को बाय करना होता है। चाहे आपने वो शेयर 100 रुपये पे लिया था, वो शेयर 80 रुपये पे आ गया, 80 रुपये से गिर कर वो आज 50 रुपये पे आ गए, तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना चाहिए। यदि आपने फंडामेंटल स्टॉक का चुनाव किया तो आपको पता आज नहीं कल ये शेयर ऊपर ही जाएगा, ये शेयर की कीमत 120 रुपये के बाद 150 रुपये, 200 रुपये तक जाने के चांसेस हैं, तो ऐसे में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा पेशेंस के साथ काम करोगे शेयर, तभी आपका पैसा शेयर मार्केट में बनता है। शेयर मार्केट हमेशा ही अप डाउन ऊपर नीचे करके ही चलता है, एक साइड पे नहीं चलता कि आपको सिर्फ ऊपर ही साइड शेयर भाग रहा है मार्केट भाग रहा है या नीचे की साइड भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। शेयर मार्केट हमेशा अप डाउन करके ही चलता है, चाहे आप किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करना आना चाहिए। आप जब भी किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे पहले आपको देखना है कि इस कंपनी में आप जिस कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है।
प्रमोटर की कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, डीआईएस की कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, पब्लिक की कितने परसेंट की हिस्सेदारी, एफआई की कितनी परसेंट की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड की कितनी हिस्सेदारी है। आप इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना सीख जाओगे तो आपको पैसा आसानी से पैसा बन सकता है। जिस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से लेके 75% की होती है तो उन कंपनियों में ज़्यादातर ग्रोथ देखने को मिलती है। उन कंपनियों के जो मालिक होते हैं वो खुद उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं और लगातार विश्वास के साथ उसमें पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यानी कि कंपनी आने समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। डीआईएस भी अपने इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखी या बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा उन कंपनियों पे स्ट्रांग होने के चांसेस रहते हैं कि कंपनियां फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसके साथ ही उन कंपनियों में पैसे खास तौर पर नहीं लगाने चाहिए जिसका प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल ना के बराबर हो, सिर्फ उसमें पब्लिक ने ही पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो ऐसी कंपनियों से आपको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। यदि आप बिगनर हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पहले से सब कुछ चेक करना आना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तभी आप किसी स्टॉक पैसे लगाएं। आपने देखा होगा जहाँ तक जो पैनी स्टॉक होते हैं उनमें जहाँ तक प्रमोटर होल्डिंग ना के बराबर होती है, सिर्फ उसमें पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होती है, तो ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखें जिससे आपका पैसे को जाना लॉस होने के चांसेस ना हो। आपका पैसा स्ट्रॉन्ग कंपनियों में लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका पैसा ज़रूर बनेगा। भूल कर भी आपको शेयर मार्केट में ये तीन गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। ख़ास तौर पे आपको पैनी स्टॉक से दूरी बना के रखनी, यदि आप बिगनर हो, आपने अभी तक शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया है तो आपको पैनी स्टॉक से दूरी रखनी है। आपको सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में ही पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में पैसे बनने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था, आप इस वीडियो में जो भी चीज़ बताई गई है सिर्फ वो नॉलेज पर्पज से है। आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आपको कौन से स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही मैं ऐसे ही शेयर मार्केट के जुड़े हुए वीडियो लेके आती रहती हूँ जिससे कि हर व्यक्ति को शेयर मार्केट की नॉलेज हो सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।